हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, फॉर अ वीक एसिड एच ए, द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इन नियरली 1% एट इक्विलिब्रियम। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड इज 0.1 मोल पर लीटर, देन द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट्स के एट द सेम टेम्परेचर इज वी एंड वी आर गिवन फोर ऑप्शन। वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट अमंग दीज। सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे हमारा की कॉन्सेप्ट, एंड इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होने वाला है दैट इज के ए ऑफ वीक एसिड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारे पास जो गिवन डेटा है, दैट इज जो हमें कंसंट्रेशन दी गई है दैट इज 0.1 मोल पर लीटर, और जो डिसोसिएशन दी गई है हमें दैट इज 1%। 1% को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/100। इसको फर्दर अगर हम डेसिमल में लिखना चाहें तो इट विल बी 0.01। और जो हमारा वीक एसिड है वो डिसोसिएट कैसे करेगा? इट विल डिसोसिएट लाइक एच प्लस और ए माइनस में वो डिसोसिएट कर जाएगा। अगर हम यहाँ पर एच ए की कंसंट्रेशन निकालें, जो हमारी एच की कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, और ये हमारी निकलेगी कैसे? 0.1 जो हमें मोल पर लीटर दिया गया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिसोसिएशन से हमारे, तो डिसोसिएशन कितना है हमारा? 0.01। तो हमारी वैल्यू आ गई 0.001 मोल पर लीटर। अब क्या करते हैं हम, इक्विलिब्रियम जो कॉन्स्टेंट हमारा कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दैट इज एच ए, इसका भी निकाल लेते हैं। 0.1 माइनस 0.001 मोल पर लीटर, इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इट विल बी 0.099 मोल पर लीटर, और इसको अगर हम अप्रॉक्स करके लिखें तो इट विल बी 0.1 मोल पर लीटर। इस वाले में भी अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है तो हम इसे डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं मोल पर लीटर, थोड़ा राइटिंग में कन्फ्यूजन ना हो। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी के की एक्सप्रेशन होगी उसको डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा हमारा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो एच प्लस और ए माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एच ए की कंसंट्रेशन, और यहां से जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी 0.001 मल्टीप्लाई बाई 0.001 एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाई 0.1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10^-6 अपॉन 0.1। ऑन फर्दर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट 1×10^-5। नाउ मैचिंग विद द ऑप्शंस, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।